राजू तुम गिर कैसे गए? ये देखो मैं जरूर इसी से टकरा कर पानी में गिर गया। ये तो रंगों की कोई पहेली लगती है। ये मुझे मिला है तो ये मेरा है। ये राजू को क्या हुआ? चलो उसी से पूछते हैं। माँ तुमने राजू को देखा क्या? हाँ उस तरफ गया है, पर अजीब बात तो ये है कि आज उसने लड्डू लेने से इनकार कर दिया। जब से उसे वो रंगीन पहेली मिली है तब से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। वो देखो वो रहा राजू। राजू? हाँ? क्या हुआ भीम? वही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारी वो रंगीन पहेली कहाँ है? क्या कौन सी रंगीन पहेली? रुक जाओ कालिया। जगह के सारे रंग कहीं गायब हो गए हैं। भागो भागो, काली रानी के सैनिक आ रहे हैं। रुक जाइए, हम किसी काली रानी के सैनिक नहीं हैं। हम तो ढोलकपुर से आए हैं। ढोलकपुर? तो क्या तुम्हें हमारे रंगीनपुर के रंग मिल गए? क्या आप एक चौकोर रंगीन पहेली की बात कर रहे हैं? हाँ, काली रानी ने उस काली चौकोर पहेली में रंगीनपुर के सारे रंग कैद करके किसी दूसरी दुनिया में भेज दिए और हमारी दुनिया को बेरंग बना दिया। तो क्या इस देश में कभी रंग नहीं लौट सकते? अगर वो पहेली वापस काली हो जाए तो उसमें कैद सारे रंग रंगीनपुर में लौट आएंगे। वो पहेली हमारे पास है। चुटकी, वो रंगीन पहेली मुझे दो। मस्ती में तो ये सब चलता रहता है।
और याद है जब भीम ने डाकू मंगल सिंह को हराया था? हाँ हाँ, भीम ही है ढोलकपुर का असली हीरो। भीम हीरो तो उस्ताद जीरो। बताओ क्या संदेश है? चुलबुलपुर के महाराज ने ढोलकपुर के सामने एक चुनौती की पेशकश रखी है। चुनौती? कैसी चुनौती? महाराज, उनका सोचना है कि चुलबुलपुर के साइकिल सवारों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वे ढोलकपुर के अरंगा के पर्वतों पर साइकिल रेस की चुनौती देना चाहते हैं। पर ढोलकपुर में तो कोई साइकिल सवार है ही नहीं, फिर ये चुनौती? चिंता मत कीजिए महाराज, आप प्रस्ताव स्वीकार कीजिए, हम सब मिलकर आज से ही साइकिल चलाने का अभ्यास शुरू कर देंगे। तो फिर ठीक है भीम। साइकिल चलाने के लिए सबसे जरूरी है संतुलन, और रेस जीतने के लिए जरूरी है तेज रफ्तार। आज हम इसी चीज का अभ्यास करेंगे। क्या हुआ भीम? ये कालिया अब तक नहीं आया। ओहो, वो तो अभी तक सो ही रहा होगा भीम। हमें और देर नहीं करनी चाहिए और अरंगा पर्वत पर अभ्यास करने चलना चाहिए। क्या है वहाँ? पक्षी है क्या? हाँ, बहुत खूबसूरत पक्षी है, सुबह से वहाँ बैठी है। तो कालिया और मैं दोनों कोशिश करेंगे, जो उसे पहले पकड़ेगा वो जीतेगा और उसे घर ले जाएगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है राजू। हाँ राजू, पक्षी की जगह पेड़ों पर होती है, घर में है। ठीक है कालिया, हम है? कालिया कहाँ है? कालिया नहीं। क्यों, मैं जीतने वाला हूँ। उस्ताद नीचे गिर गए हैं, पक्षी भी। हाँ? मैं एक परी हूँ, मेरे पास बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ हैं, जो जंगल की जादूगरनी मुझसे छीनना चाहती है। उसने मेरे हाथों में जादुई चाबी से ताला लगा दिया है, इसलिए मैं उड़ भी नहीं पा रही। जल्दी ही वो मुझे चाबी ढूंढनी है, वरना। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खाके जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। अरे बादाम तो अंदर ही छूट गए, अभी ले आती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो, मैं तो सारे खा जाऊंगा। मजेदार। मैं अब और लड्डू नहीं खा सकता। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। तो ये यहाँ है। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो कुछ ढूंढ रहे हो? ये क्या था? भीम, कोई जादूगरनी आके चिड़िया को उठा के चली गई। हमें कुछ तो करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकते, वो चिड़िया हमारी राजकुमारी है,
अगर उस जादूगरनी ने हमारी राजकुमारी की शक्तियाँ छीन ली तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपकी राजकुमारी को बचाऊंगा। मैं भी। वहीं रहती है वो जादूगरनी। जाओ, भाग के कहाँ जाओगे? शुक्रिया भीम। कालिया, अगर तुम उस वक्त वहाँ पेड़ के ऊपर नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। धन्यवाद। क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ? इस बार बड़ी अच्छी खेती हुई है और इसी खुशी में मैंने तुम सब के लिए कद्दू का हलवा बनाया है जिसे हम सब मिलकर खाएंगे। कद्दू का हलवा? वाह वाह वाह। तो फिर हम चले यहाँ से। अरे क्या हुआ दोनों, बोलो। हमें पता है कि हमारा हिस्सा भी उस्ताद ही खा जाएंगे। तो फिर हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलो सब लोग अंदर आओ। तो फिर अब देर किस बात की है? भीम, सबको हलवा बांट दो। जी चाचा। अरे नहीं नहीं, अभी तो पूरी कढ़ाई भर के है, इसलिए जी भर के खाओ। वाह, लड्डू के साथ तो इस हलवे का मजा दुगना हो गया। सही कहा भीम। जीतोगे। इन सबको मजा चखा देना। आज की रेस है ढोलकपुर और चुलबुलपुर के बीच में। जिस राज्य का सवार इस रेस को जीतेगा उसी राज्य की जीत होगी।
और जीतने वाले को ये शानदार चमकती ट्रॉफी इनाम में मिलेगी। सीटी बजाते ही रेस शुरू हो जाएगी। कालिया, कैसा लड़का? वाह, क्या निशाना है। ये हम मधुमक्खियों के काम आएगा। ए लड़के। हाँ जी, क्या कौन है आप सब? ये हमारी रानी है, हमारी महान मधुमक्खी रानी। तुमने हमारे छत्ते पर हमला किया बार बार लगातार, मेरी मधुमक्खियों को परेशान किया। माफ कीजिए मधुमक्खी रानी, मुझे पता नहीं था। माफी नहीं, मैं रानी मधुमक्खी तुम्हें हमारा सेनापति बनाती हूँ। तुम हमारे साथ रहोगे, मधुमक्खियों का सेनापति। नहीं रानी। क्या तुम मुझे मना नहीं कर सकते लड़के? ये तुमने अच्छा नहीं किया। सबके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। भीम शायद तैयार हो गया होगा। मैं सोच रही थी कि आज हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। हाँ, पर पहले भीम से मिल तो ले, उसके बाद बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। भीम जवाब क्यों नहीं दे रहा? उठो भीम। भीम उठ क्यों नहीं रहा? रुको मैं पानी लाता हूँ। हमने सोचा कि तुम घूमने जाने के लिए तैयार रहोगे। लड्डुओं की खुशबू। चलो चलो। बैठ जाओ तुम सब, मैं अभी सबके लिए लड्डू लेकर आती हूँ, खास तौर पर भीम के लिए। भी इन्हें खाकर तो देखो। कितने स्वादिष्ट है ये लड्डू। और फिर भीम, मधुमक्खी रानी मुझे अपना सेनापति बनाने वाली थी। ए राजू, झूठ मत बोल, सेनापति और तू। कालिया, मैं सच बोल रहा हूँ। राजू, सेनापति मुझ जैसे पहलवान बनते हैं, तू और सेनापति। ये क्या मधुमक्खियाँ? महारानी बहुत गुस्सा है। आक्रमण! Yo 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 y
राजू। महारानी तुम दुष्ट हो। तुमने ढोलकपुर को, मासूम लोगों को, मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई। चुप, आखिरी मौका है राजू, बन जाओ हमारे सेनापति वरना। राजू हमारा दोस्त है, किसी मधुमक्खी रानी का सेनापति नहीं। भीम! कोई भीम हमें नहीं हरा सकता। सिपाहियों, चल रहा है जी। अरे अरे अब अब अरे मक्खी तो गई लेकिन बिल्ली तो नहीं ना आ गई भाई। चलो देखते हैं क्या है। हाय दया, अरे कौन है जिसने हमारा सारा दूध गिरा दिया रे? मंगल सिंह, तिजोरी। क्या आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मंगल सिंह ने महल पर आक्रमण कर दिया है और राज तिजोरी से सोना चुरा लिया है। हा? राजा इंद्र वर्मा बंदी बना लिए गए हैं और मंगल सिंह उनके सिंहासन पर बैठ गया है। कौन है आप और ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या तुमने मुझे आप कहकर बुलाया और तुम मुझे नहीं जानते क्या? देखो हम आखिरी बार समझा रहे हैं, आप जो कोई भी हो यहाँ से निकल जाओ। लगता है भीम सब कुछ भूल गया है। बहुत अच्छा है, इस बार मेरी जीत पक्की है। साथियों अच्छा इन सबको। हाँ, इसने जंगल में भी मंगल सिंह के आदमियों को बिल्कुल ऐसे ही सबक सिखाया था। चुटकी, लड्डू मिलेगा जरूर। सबसे ज्यादा गुब्बारे फुलाएगा वो ही जीतेगा। और अगला मुकाबला शुरू होगा सीटी बजते ही। और ये बजी सीटी। जल्दी जल्दी फूंक मारो ढोलू भोलू, अगर ऐसे थके हुए इंसान की तरह फूंक मारोगे ना तो हमारा हारना पक्का है। हाँ, हारना तो पक्का है ही, ऐसे नहीं तो वैसे। हाँ,
क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये उस्ताद कि हम हैं सिर्फ तीन और वो है चार। तुम उनकी फिक्र मत करो, देखो वो कैसे बेवकूफों की तरह बड़े बड़े गुब्बारे फुला रहे हैं। हम छोटे गुब्बारे फुलाएंगे जिससे कि हमारे गुब्बारे उनसे ज्यादा हों। चलो जल्दी जल्दी गुब्बारे फुलाओ। एक दो तीन चार। तो दोस्तों इस बार के गुब्बारे उस्ताद हैं भीम और उसके दोस्त। लेकिन मेरे गुब्बारे ज्यादा हैं और उनके कम। उनका एक गुब्बारा तुम्हारे 10 गुब्बारों के बराबर है। अगली बार ईमानदारी से खेलना का लिया, काम चोरी से नहीं। चलो ढोलू बोलो। जम जम जम्बूरा जम तू तू सीख ले पूरा। जम जम जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा। जुम जुम जम जम जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं पत्थर उठ जाए पूरा। जुम जुम लड्डू तुझे खिला दूं केला तुझे दिला दूं। जादू तुझे सिखा दूं मैं ये पूरा पूरा। जम जम भूरा जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं पत्थर उठ जाए पूरा। हवा में लहर जाए वक्त को ठहराए पानी पे चलते जाए हर राग में तू गाए। जादू ऐसा दे तू कोई काम न रहे अधूरा। नदियों को जमा दे तू पर्वत को कर दे चूरा। जम 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 भूरा जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दू पत्थर उठ जाए पूरा। एक के दो के तीन के चार के पाँच के दस के बीस के तीस के चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे पूरे सौ। एक के दो के तीन के चार बना दे दिन में ही अपने दुश्मन को तू तारे दिखला दे। सूरज को ठंडा करके चांद चला दे पूरा। बोले गुरु हो जा शुरू जमूरा जमूरा। जम 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 जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दू पत्थर उठ जाए पूरा। केला तुझे खिला दूं जादू तुझे सिखा दूं मैं ये पूरा। जम 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 पूरा जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं पत्थर उठ जाए पूरा। गिली गिली चकलका मकलका जूम।